आज हम इस वीडियो में जानेंगे लैब में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और उसके यूज़ के बारे में। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करने के लिए माइक्रोलीटर रेंज में। हमारे पास जो दूसरा लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीफाई करने के लिए छोटे ऑब्जेक्ट्स को। हमारे पास ये अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल्स को मिक्स करने में और केमिकल्स को हीटिंग करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है टेस्ट ट्यूब होल्डर। मेनली टेस्ट ट्यूब होल्डर का काम होता है टेस्ट ट्यूब को अच्छे से मजबूती से पकड़ना, होल्ड करना, यही काम होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर का। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑटोक्लेव। इसका इस्तेमाल होता है डिकन्टेमिनेट करने के लिए बायोलॉजिकल वेस्ट को और स्टरलाइज मीडिया करता है इंस्ट्रूमेंट को और लैब वेयर्स को। अब हमारे पास है हॉट एयर ओवन। इसका इस्तेमाल होता है ड्राई करने के लिए ग्लास वेयर को, स्टरलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को और पैकेजिंग आइटम के लाइफ साइंस में और माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर मेंटेन करता है ऑप्टिमल टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, CO2 को और ऑक्सीजन को अपने अंदर। अब हमारे पास अगला इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये डिवाइस मेज़र करता है लाइट के एब्जॉर्प्शन को और केमिकल के अमाउंट को सॉल्यूशन के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पीएच मीटर। पीएच मीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो मेज़र करता है हाइड्रोजन और आयन की एक्टिविटी को सॉल्यूशन के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ग्लास स्लाइड। ये ग्लास स्लाइड थिन रहती हैं, फ्लैट पीस रहती हैं ग्लास का और होल्ड करती हैं ऑब्जेक्ट को एग्जामिनेशन के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हेमेटोलॉजी एनालाइज़र। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनालाइज करता है होल ब्लड स्पेसिमेन को, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट को। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। केमिस्ट्री एनालाइज़र को क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र भी कहा जाता है। ये मेज़र करता है मेटाबोलाइट्स को जो प्रेजेंट रहते हैं बायोलॉजिकल सैंपल में, जैसे कि ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये एक डिवाइस है जो यूज़ करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जिसकी मदद से सेपरेट करता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड्स को। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है EDTA ट्यूब्स। EDTA एक टिपिकल एंटीकोगुलेंट है जिसका इस्तेमाल ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स में किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है प्लेन ट्यूब्स। इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए ब्लड स्पेसिमेन, जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए, सीरोलॉजी के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फ्लोराइड ट्यूब्स। इस फ्लोराइड ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है कलेक्शन करने के लिए ग्लूकोज मेजरमेंट का। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं सिरिंजेस। इन सिरिंजेस की मदद से हम ब्लड को या किसी फ्लूइड को इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं बॉडी से। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं टॉर्निकेट। टॉर्निकेट का इस्तेमाल हम करते हैं लिम्ब पे बांध कर, जिससे कि ईजली वेन ऊपर आ जाए और हम ब्लड को विड्रॉ कर सकें। अब हमारे पास नया इंस्ट्रूमेंट है अल्कोहल स्वैब। इसका इस्तेमाल हम डिसइंफेक्ट के लिए किया जाता है ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने से पहले। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है टेस्ट ट्यूब रैक्स। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ट्यूब, टेस्ट ट्यूब रखने के लिए इसके अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यूरिन कंटेनर। यूरिन कंटेनर को हम मेनली यूज करते हैं यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है डिस्टिल्ड वाटर।
डिस्टिल्ड वाटर कभी भी ना रिएक्ट करता है ना ही अफेक्ट करता है एक्यूरेसी के लैब एक्सपेरिमेंट्स में। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है प्लास्टिक ट्यूब्स। प्लास्टिक ट्यूब का हम यूज्ड करते हैं होल्ड करने के लिए, मिक्स करने के लिए और हीट करने के लिए केमिकल एक्सपेरिमेंट्स को। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वेइंग स्केल। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम पता लगा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का या फिर उसके वेट का। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हीमोसाइटोमीटर। ये काउंटिंग चैम्बर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है काउंट करने के लिए ब्लड सेल्स को। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कलोरीमीटर। इस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए एब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेसिफिक कलर्स के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरी फ्लक्स। इसका इस्तेमाल करा जा सकता है सॉल्यूशन बनाने में, सॉल्यूशन को होल्ड करने में, कलेक्ट करने में और मेजरिंग केमिकल करने में या किसी सैंपल के सॉल्यूशंस के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यूरिन एनालाइजर। ये वो डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है यूरिन को। अब हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रेफ्रिजरेटर। इसका इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में सैंपल्स को स्टोर करने के लिए, स्पेसिमेन को स्टोर करने के लिए और वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल द MLT वर्ल्ड।